होम्योपैथी को बढ़ावा देने की मंशा से रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में एक निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के चुनिंदा डॉक्टर आए और रीवा के मरीजों का इन्होंने भरपूर इलाज किया। बस दो बूंद शरीर के अंदर और बीमारी छू मंत्र, पुरानी मान्यता होम्योपैथी देर से असर करती है का बिल्कुल उल्टा नजारा देखने को मिला रीवा के होम्योपैथिक शिविर में। यहां देश भर से आए डॉक्टरों ने रीवा के मरीजों को देखा, उन्हें उचित सलाह दी, दवाइयां दी। होम्योपैथिक शिविर में लगभग 1800 से अधिक मरीजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कृष्णा राज कपूर मेमोरियल हॉल में यहाँ पर होम्योपैथिक का एक बड़ा शिविर आयोजित किया गया है। इस आयोजित शिविर में देश विदेश के ख्याति प्राप्त होम्योपैथिक डॉक्टर आए हुए थे, जिन्होंने रीवा वासियों के रोगों की जांच की, उनको उचित परामर्श दिया, उचित इलाज दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अभय जी, जिन जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे। ये कार्यक्रम आयोजन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किस तरीके का आयोजन आपने किया? सर, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री लालजी शर्मा की स्मृति में मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। मुझे ये जानकारी देते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज के शिविर में 1873 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया है। हमारे दूर दराज से डॉक्टर आए थे, जिनमें से यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से, आपके कटनी से और इधर उधर से, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक आए थे। ये एक ऐसा होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर बना है जिसमें लगभग 11 MD होम्योपैथिक फिजिशियन एक छत के नीचे होम्योपैथिक प्रैक्टिस किए हैं और लगभग 70-70 पेशेंट, 60-60 पेशेंट हर डॉक्टर ने देखे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। ये लगभग टोटल शिविर जो चला है सुबह से शाम तक में 5 घंटे में हमने 1873 पेशेंट देखे हैं। 1873 पेशेंट महज चंद घंटों, इतने मरीजों को निःशुल्क देखा जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी आए हुए डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आपको रीवा में कैसा लगा, यहाँ के मरीजों को क्या समस्याएं ज़्यादातर देखने में आई। सर, डॉक्टर अभय मिश्रा जी के प्रयास से मैं इतना उत्साहित था। पिछली लंदन यात्रा में डॉक्टर अभय मिश्रा जी हमारे साथ थे और इन्होंने बस एक ही बात कही थी कि मैं अपने रीवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मुझे तो होम्योपैथी का कोई भी प्रयोजन एक कथा की तरह होता है, एक पूजा की तरह होता है। मैं यूपी का दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे अपने एसोसिएशन की तरफ से यहाँ इनका उत्साह वर्धन करने आना पड़ा और मैंने भी आज जम के मरीज देखा और बहुत उत्साहित भी हुआ और ये लगा कि रीवा शहर में अभी होम्योपैथी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो अभय मिश्रा जी कर रहे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश हमेशा मध्य प्रदेश। डॉक्टर साहब, रीवा जैसे कि आप आए यहाँ, आपने लगभग 1800 मरीजों में से कुछ मरीजों को, जी हाँ जी हाँ, ये किस तरीके के रोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादातर कमजोरी के, एनीमिया के, गठिया के और पित्त की थैली की पथरी के बहुत से मरीज पाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये खान पान और रहन सहन का असर है। हमारे डॉक्टर अभय मिश्रा जी और हम सभी ने, हमारी पूरी यहाँ के सैकड़ों डॉक्टरों की टीम ने सभी को खान पान और रहन सहन के लिए विशेष रूप से हिदायत दी कि हम कैसे रहें जिससे हम रोगी न रहें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, होम्योपैथी उनके लिए कथा की तरह है, निश्चित रूप से ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि आज जो आयोजन आप लोगों ने किया, इस आयोजन को देख के आपको क्या लगा कि आप कितने सफल रहे, आपने किस तरीके के मरीजों का इलाज किया? इस आयोजन में ज़्यादातर मैंने जो पेशेंट देखे वो पुराने हार्ट के ज़्यादा रहे, जिसमें कई पेशेंट के हार्ट ब्लॉक हैं, कई को घबराहट है, कई को एसिडिटी है। तो उसमें हमने ये देखा कि चेस्ट पेन है, क्योंकि सर्दी भी है वो भी चेस्ट पेन का कारण होता है और हार्ट के जो बुजुर्ग लोग हैं
उनका हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो उसके भी हार्ट पेन होता है। तो हमने ऐसे कई पेशेंट महिला पुरुष दोनों देखे और उनको दवाइयाँ लिखी। और डॉक्टर अभय मिश्रा मुझे पिछले साल भी बुलाए थे, तो भी मैंने हार्ट के पेशेंट देखे थे। इस बार भी मुझे बुलाए, मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सुप्रिंटेंडेंट रहा हूँ और प्रोफेसर हूँ MD और लंदन से FSCH फेलोशिप किया है। अभय मिश्रा जी भी हमारे साथ किए हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारा सवाल है यहाँ पर, शायद हमारे दर्शकों का भी ये सवाल हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, ये होम्योपैथिक जो राष्ट्रीय स्तर का शिविर ऑर्गेनाइज मैंने किया है, इसके पीछे एक उद्देश्य था कि होम्योपैथिक को कैसे बढ़ाया जाए। रीवा की जनता के बारे में मैंने देखा है, चूँकि आपका रीवा प्रदेश का न्यूज चैनल है, रीवा की जनता होम्योपैथिक के पीछे बारे में बहुत गलत धारणा बना के रखी है। एक होम्योपैथ प्रैक्टिस नहीं करता है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लॉजिकली अगर देखें, मेरा ये शिविर जो मैंने किया है, इसका मेन उद्देश्य है, आज इस शिविर में 14 होम्योपैथिक MD फिजिशियन आए थे। ये होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए सबसे बड़ा वरदान है। आज एक साथ हमारी रजिस्ट्रार डॉक्टर आयशा अली मैडम हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने अध्यक्षता की है कार्यक्रम, यह भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। और 120 डॉक्टर होम्योपैथिक के 120 होम्योपैथिक चिकित्सक यहाँ पे आए थे। 70 डॉक्टरों ने प्रैक्टिस की है और 50 डॉक्टर हमारे गेस्ट डॉक्टर आए थे।